इस तरफ आ रहा है ये चिकन पॉप और ये आ गई सॉसेज और ये थोड़ा सा हॉट पॉप और साथ में लेंगे ब्रोकली। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और मैं हूँ मक्खा और ये है मेरी मक्खी। और अभी हम आए हैं गुलबर्ग द हॉट पॉट रेस्टोरेंट, क्योंकि सर्दियाँ जा रही थी तो सोचा उससे पहले एक लास्ट टाइम हॉट पॉट ट्राई कर ले। और मेरी बुड्ढी ने भी फुल फरमाइश पाई थी कि हॉट पॉट हो जाए, भी चलते हैं और जाके सीन देखते हैं। और ये मोमनी हमें बड़ी तंग करेगी, ठीक है चलो चले, लेट्स गो। तो हाँ जी गाइस, ये इनका मेन्यू रहा है, चेक करें जी, बड़ा सा मेन्यू है ठीक है। और हमने जो डिसाइड किया अपना वो है ब्रॉथ में क्लियर ब्रॉथ, ठीक है। और मीट में अगर हम आते हैं, हमने डिसाइड किया चिकन बॉल्स और चिकन सॉसेजेस। सी फूड स्किप है क्योंकि साथ हमारे ये स्टुंगनी है, ठीक है, और ये सी फूड मिस। साथ में हम वेजिटेबल्स पे आते हैं, यहाँ पे हम ये ब्रोकोली और साथ में बटन मशरूम्स। नूडल्स में रामेन नूडल्स, डम्पलिंग्स में चिकन डम्पलिंग्स, राइस में कुछ नहीं, कॉन्डिमेंट्स में चिली ऑयल और शेज़वान सॉस, और क्रैकर्स में कुछ नहीं, ड्रिंक्स में एंड दे मेरी बुड्ढी ने कहना है पीना को लाडा, मैंने पता है। ओके तो हाँ जी गाइस, अपना ये हॉट पॉट आ चुका है और बाकी सारी आइटम्स भी, और एक सॉसेज हमारी स्टोंगनी के लिए पहले डाल दी गई, ठीक है। इस तरफ ये देखो जी, ये हमारे पास सॉसेजेस आई हैं, चिकन सॉसेजेस, ये चिकन डम्पलिंग्स, और ये इधर क्या कर रही है, ये आ रहे हैं जी बटन मशरूम्स, और ये देखो ये एक इधर फिर रहा है, और ये है जी ब्रोकली, और इस तरफ है ये चिकन बॉल्स, और इस तरफ है जी रामन नूडल्स। अच्छा, जो चिकन सॉसेजेस हैं, डम्पलिंग्स हैं और चिकन बॉल्स, ये 10 मिनट के अंदर रेडी होंगे और बाकी चीज़ें जो हैं वो 5-5 मिनट में रेडी होंगे। तो अब हम पहले ये सॉसेजेस डालते हैं, और सबसे मज़ेदार चीज़ यहाँ की भी अब हम ट्राई करते हैं डम्पलिंग्स कैसी मिलती है। ये रहेंगे डम्पलिंग्स, प्रॉम, और साथ में हम ये लेते हैं बटन मशरूम्स। अभी मेरे ख्याल से ना आधी डालते हैं, और ये ब्रोकली, ये भी हम हाफ जो है वो इसके अंदर डालते हैं, और ये मैं लेके आता हूँ यहाँ से चिकन बॉल्स, जिसे भी ये हाफ डाल दें। उधर आ गई रामन नूडल्स, ये पूरे का पूरा ऐसे ही हम, अब इसके लिए थोड़ी जगह बनाते हैं नीचे। यमी मोमिन, ये देखो अब तकरीबन इसे हम 10 मिनट का वेट करवाते हैं और उसके बाद फिर करेंगे खुल जा सिम से। हाँ जी, तो अभी इसे तकरीबन कोई 2-3 मिनट हुए हैं और हम इसे थोड़ा अंदर से हिला जुला ले लेंगे। वाह, लुक्स वेरी डिलीशियस। जी 5 मिनट तो गुजर गए, तो हम अपनी नूडल्स और साथ ये जो है मशरूम्स और ब्रोकली को निकाल लेते हैं, वो ज़्यादा ना कुक हो जाए। ये देखो इधर ही रहने, साथ में अपना ये सूप भी लेते हैं, और हम इसे आज इसके साथ ट्राई करेंगे। Literally, I have no idea. यह नूडल्स
तो बड़ी मजेदार है। तो हाँ जी गाइस, अपना एक बैच जो है वो कंप्लीट हो चुका था। ये हमारी स्टोंगनी है ना, ये कुछ नहीं अभी करने दे, सही तरह रिव्यू नहीं बनाने दे रही। तो अब यहाँ से हम लेते हैं डम्पलिंग्स, साथ में ये थोड़े मशरूम्स, और ये ब्रॉथ, और इस तरफ आ रहा है ये चिकन पॉप, और ये आ गई सॉसेज, और ये थोड़ा सा हॉट प्रॉन, और साथ में लेंगे ब्रोकली। अच्छा, इधर अभी लाइट का ना थोड़ा सा इशू है, और जैसा कि अभी मोबाइल से ही वीडियो बन रही है, तो अच्छा इनका जो ब्रॉथ है वो क्लियर हमने लिया था, उसका यही सीन है कि अगर आपको थोड़े स्पाइसेस चाहिए तो लाजमी आप ये साथ चिली ऑयल या तो आप सिचुआन सॉस या कुछ भी वो ट्राई कर लेना, ठीक है। अभी मैं उसके बगैर ही ये ट्राई करूँगा। हाँ, ये चिकन बॉल ट्राई करते हैं। चिकन बॉल भी जो है ना टोटली चिकन, यानी कि आप समझ लो टोटली रॉ चिकन है, और उसका कीमा जो है वो उसका एक बॉल बना हुआ। पापा 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 पापा, हाँ जी, ये पापे ने ना मुझे उधर सही तरह खाने दिया, ना सही तरह रिव्यू करने दिया, तो मैंने यही सोचा कि वहाँ पे अभी छोड़ो, घर में आके ना मैं इजीली प्रॉपर एक वीडियो बनाता हूँ रिव्यू की, और वो साथ इसके जोड़ दूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये था द हॉट पॉट रेस्टोरेंट, इनकी जो सर्विंग है ना वो सारी सिर्फ हॉट पॉट की है, इसके अलावा और कुछ आइटम इनके मेन्यू में नहीं है, ये प्योरली सिर्फ हॉट पॉट सर्व करते हैं। और बात की जाए पहले इनकी सिटिंग की, तो सिटिंग भी कोई इतनी खास नहीं थी, और जो मेरी वाइफ भी थी साथ आई थी उन्हें भी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, ये उनके भी रिव्यूज़ थे जो मैं साथ बताना चाह रहा था। और अगर प्राइस भी इनकी देखी जाए तो मुझे प्राइस भी अच्छी नहीं लगी थी, क्योंकि अगर आप ये प्राइस इतनी रख रहे हैं तो आपको सीटिंग भी एक अच्छी देनी चाहिए, और आपकी सर्विस भी बहुत स्लो थी, स्लो भी नहीं बहुत स्लो थी। अच्छा, हॉटपॉट रेस्टोरेंट पे सिर्फ हॉटपॉट ये सर्व करें, ठीक है, तो इन्हें चाहिए कि इनकी एक ही आइटम है उसकी प्रेजेंटेशन तो अच्छी करें, बेहतर करें उसे। इसके अलावा मेरा इन्हें ये मशवरा है कि इनकी जो टेबल साइज़ है ना उसे थोड़ा सा बड़ा करें, क्योंकि अगर तीन चार लोग आते हैं, हॉटपॉट आता है, बाकी आइटम्स आती हैं, तो वो टेबल छोटी पड़ जाती है। और आखिर में जो बात आती है टेस्ट की, तो टेस्ट में भाई मेनली जो आइटम थी वो थी चिकन डम्पलिंग्स, ठीक है, तो वो सबसे पहले मैंने खाई थी नोवू से, तो मुझे उनकी ज़्यादा बेहतर लगी थी, मुझे इधर डम्पलिंग्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। इसका जो ऊपर वाला मटीरियल था वही एक बड़ा अजीब सा मुझे लगा था, और अंदर से भी जो मटीरियल था वो भी इतना ख़ास नहीं था। फिर इसके बाद जो चिकन बॉल्स थे वो भी बहुत ही रॉ किस्म के थे, कुछ भी टेस्ट नहीं था, यानी कि टेस्टलेस सीन था। और नूडल्स जो थी वो ठीक है, क्योंकि नूडल्स के साथ आप जिस तरह का प्ले करोगे उसने उस तरह का टेस्ट देना। और बात आ जाती है सॉसेजेस की, वो ठीक थी, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस यही था कि 50-50 सीन था। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना, कमेंट शेयर तो पता नहीं होता है क्या नहीं, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ये मेरी स्टुंगनी देख रहे, स्टुंगनी इन्हें मैंने तंग किया है, चूसनी मेरी स्टुंगनी, चलो ताता कर दो ताता। ये देखो जी, ये लो, ये यहाँ पे मोमिन साहब को ले लो, ये देखें जी, साथ साथ हम फॉग भी खाएंगे, ठीक है।